हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे घर पे आया है मेरे दोस्त है संतोष भाई, उनका घोड़ा है और ये घोड़ा मेरे सामने ही लिया हुआ है। कम से कम अभी इसको उनको लेकर 9 से 10 साल हो गए हैं और ये घोड़ा चाल में बहुत ज़ोरदार है, रेवाल चाल काफ़ी अच्छी चलता है। एक बार मैंने गौ माता की उनके फार्म की शूटिंग ली थी, उनके फार्म पर जाकर गिर का उनका पास में बहुत बड़ा फार्म है 50 गायों के आसपास, तो ये घोड़ा तब मैंने उनको बताया था, तब उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है तो घोड़ा अभी अच्छे से बन गया है। और ये रेवाल चाल के लिए बहुत ज़ोरदार घोड़ा है, बहुत अच्छी चाल चलता है, कभी इसकी चाल की ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो अभी ये घोड़ा सारंगखेड़ा में जो इक्वाइंस प्रीमियर लीग होने वाली है उस पर ये पार्टिसिपेट करने वाला है और संतोष भाई जो है उनकी लड़की है 12-13 साल की, वो परफॉर्म्स करेंगे और ये इनका लड़का है कृष्णा, ये भी परफॉर्म करने वाला है। अभी इनकी ट्रेनिंग आज से चालू हो जाएंगे कि कैसे क्या स्पोर्ट में वो करना है, जो टेक्निकल चीज़ें रहती है वो करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में उन्होंने डाइट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से स्टार्ट कर दिया है बहुत दिनों से, जैसे मैंने उनको कहा था कि इस बार स्पोर्ट का इवेंट है तो उन्होंने तब से बोला था कि हमारे दोनों बच्चों को हम उस पर पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो अभी कृष्णा इनका घोड़ा लेके आया था, अपने स्वरूप का पैर जो थे उसके थोड़ी सूंब बढ़ गए थे तो वो कट करने थे, तो इधर ही उसको बुला लिया। और अभी आसिफ भाई आए हैं जो हमारे मालेगांव के नालबंदी करते हैं घोड़ों की, बहुत बढ़िया अच्छा काम है इनका। तो अभी देख सकते हैं ये घोड़े के जो अभी पैर है, बहुत दिनों से कम 4-5 साल हो गए, 4-5 सालों से उन्होंने, तो इसके पैरों के अभी हालत आप देख सकते हो, सूम काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अभी बस इसके अंदर से तो कटाई हो गई है एक पैर के, अभी सभी के बाद करने के बाद में बताएंगे, काफ़ी बढ़ गए हैं ना कटाई देखो काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरी और अच्छे लेवल में कर दिए, अभी और लेवल बाकी ना, कानस वगैरह मारेंगे और फिर पहले क्या नाल लगाएंगे, नाल लगा कट मारना, कट मारेंगे ना, ठीक है फिर बाद में अपन बताएंगे, है ना, ठीक है। तो दोस्तों ये घोड़ा अभी पार्टिसिपेट करेगा, हमारे यहाँ पे एक ट्रेनर है काफ़ी अच्छे जो स्पोर्ट वगैरह या राइडिंग सिखाते हैं, मोहित भाई जो मेरा काफ़ी ख़ास दोस्त है, तो यही मोहित ही उनको उनके ये बच्चों को दोनों को सिखाने वाला है। और अभी 1 घंटे के बाद में हम ट्रेनिंग भी शुरू कर देंगे इन दोनों बच्चों की, तो देखेंगे अभी कैसा क्या है। बाकी घोड़ा कम से कम उम्र होंगी इसकी 13-14 साल के आसपास और काफ़ी बहुत चलता है घोड़ा अभी उतना उम्र होने के बाद में भी, बस इनके थोड़ा सा ध्यान कम था, उनका जो डेयरी फार्मिंग का काम है इसके वजह से बच्चे भी राइड वगैरह नहीं करते थे, लेकिन अभी बच्चे कंटिन्यू 8-10 दिन से अच्छी राइड कर रहे हैं और रोज़ 3 से 4 किलोमीटर उसको राइड कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे, अभी इसके वीडियो के बाद में आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे नालबंदी वगैरह हुई है और कैसे फिनिशिंग का काम हुआ है। थैंक यू। दोस्तों अभी ये पहले पैर का काम हो गया है, काफ़ी आप सब देख सकते हो आगे का ये पैर कैसा था और अभी बनने के बाद में दूसरा आप देखो। तो अभी चार ही बनेंगे, फिर आपको मैं चारों के बाद में होने के बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे बने क्या बने।
दोस्तों आप देख सकते हो, देखो क्लीनिंग और फिनिशिंग काम जो है। बहुत बार मेरे कमेंट्स में आते हैं कि आसिफ भाई छन्नी हथौड़ी से काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास जो इक्विपमेंट्स रहते वो हिसाब से काम करेंगे, लेकिन जो भी काम है वो फिनिशिंग में ही हो रहा है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है सर। पहले ज़माने में तो छन्नी हथौड़ी से ही काम होता था, अभी इक्विपमेंट्स अभी आने लग गए हैं। यहाँ से स्वरूप चिल्ला रहा है, पकड़ो। तो अभी सब पैर बनने के बाद में मैं आपको चारों पैर की फिनिशिंग वगैरह बताऊंगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो पैरों की जो कंडीशन पहले थी कैसी थी और अभी कैसी, तो चारों पैर बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं अभी, और अच्छा काम हुआ है, चारों नाल मार दिया अभी भैया ने। और अभी घोड़े के चलने में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी, और आपको ज़रूर बताऊंगा अभी इसकी चाल। अभी हम जब ट्रेनिंग करेंगे तो उसकी भी वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। तो ये थे हमारे आसिफ भाई। तो आसिफ भाई तुम्हारा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो में भी लगा दूंगा, और ज़रूर इनको कॉल करें, वो आते हैं हर जगह पे। दादू थोड़ा सा माउंट होइन तो गिन जा हळू हळू थोड़ा, हाँ बस सुन, थोड़ा नॉर्मल चालू। हाँ आसिफ भाई दो मिनट घोड़ा पकड़ो, इकड़ जाए तिकड़े नको जो, तो घोड़ा ओरडल तिक हलू हलू। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। वहाँ से स्वरूप चिल्ला रहा है, चल एकदम हलू हलू आराम आराम शिल जाओगे। हाँ सटकाड़े आता आता नाला मार रहा है तिकड़ जा, इतन वॉक नहीं जाए तिकड़न ये चाल मजे घेन। चलो तुम बैठो, चलो आता मारला मागचा म्हणजे इकडचा म्हणतो आता बरे ते सब सुनाल ने मारले ना त्याच्यामुळे करेल तो तसं। आजी थोडंसं सरका दोन मिनिट टापवरूनच घोड्याची चाल सुरू झाली। असे रे पकड का, ए पकडून ठेव रे तिकडे, ऐ इकडे ये असे इकडे ये इकडे आता इकडे कर, बस पकडून ठेव, बस इकडे बघ तू पण ठीक है।